अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक अंडर डिस्कशन इज द स्विम ब्लैडर्स एंड द लंग्स इन द फिशेस। द इंडियन क्लाइंबिंग पर्च, दिस इज द नेम ऑफ द फिश, इट स्पेंड्स इट्स लाइफ ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द लैंड। दिस इज द इंडियन क्लाइंबिंग पर्च, ये ज़मीन के ऊपर ये देखने क्लाइंब कर रही है, यानी ये पानी से बाहर भी निकल आती है। ये तकरीबन अपनी जो ज़िंदगी है वो ज़मीन पे ही गुजारती है। अब ये ज़मीन पे अपनी ज़िंदगी क्यों गुजार सकती है? दे हैव स्पेशलाइज्ड चैम्बर्स नोन एज न्यूमैटिक सैक्स। इसके पास स्पेशलाइज्ड चैम्बर्स हैं जिनको कहा जाता है न्यूमैटिक सैक्स। इन नॉन टेलिया स्पीशीज एंड सम टेलियास्ट अ न्यूमैटिक सैक कनेक्ट द न्यूमैटिक डक्ट कनेक्ट द न्यूमैटिक सैक टू द एसोफेगस और अनदर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। स्वालर्ड एयर एंटर द सैक्स एंड गैस एक्सचेंज अकर अक्रॉस वैस्कुलर सरफेस। ये मैं आपको अगर डायग्राम से समझाती हूँ, ये देखें, दिस इज़ द डाइजेस्टिव ट्रैक, दिस इज़ द इंटीरियर एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। दिस इज़ द न्यूमैटिक सैक एंड दिस न्यूमैटिक सैक इज़ कनेक्टेड थ्रू दिस न्यूमैटिक डक्ट टू द एंटीरियर रीजन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। नाउ व्हेन द एनिमल टेक्स इट्स फूड, definitely air also enter into the digestive tract, then this air moves into the pneumatic sac, and the walls of the pneumatic sacs are highly vascular, and the gas exchange occur between the air and the blood, which is confined in the blood vessels in the walls of the pneumatic sacs. Thus, in the Indian climbing perch, lung fishes and ancient Rafidistians, pneumatic sac functioned as the lungs. As this is the a function of the lung in which the gas exchange occur between the air and the blood. In other bony fishes, pneumatic sacs act as a swim bladder. Many zoologists believe that lungs are most primitive than swim bladder. Much of the early evolution of the bony fish occur in the warm freshwater lakes and stream during the Devonian period. अब ये यहाँ पर कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है ये कि अर्ली जो एवोल्यूशन हुई है फिश की वो वार्म फ्रेश वाटर लेक्स में हुई है और डिवोनियन टाइम पीरियड में हुई है। दीज बॉडीज ऑफ द वाटर फ्रिक्वेंटली बिकेम स्टैगनेंट। स्टैगनेंट मीन्स मर्की, गदला एंड प्रोडिकली ड्राइड। अब वो जो वाटर बॉडीज थी वो ऐसा ऐसा गंदी होना शुरू हो गई और वो खुश्क हो गई, प्रोडिकली ड्राइड, ड्राई खुश्क हो जाना। Having lungs in these habitats could have meant the difference between the life and the death. अब देखें, फिश अगर सिर्फ पानी में रह सकती है तो वो अगर वाटर बॉडी ड्राई होगी इसका मतलब यह है कि फिश की डेथ होना है, यानी दो एजेज आएंगे, लाइफ या डेथ। On the other hand, the later evolution of modern bony fishes occurred in the marine and freshwater environments where stagnation was not problem. जो लेटर एवोल्यूशन हुई थी बोनी फिशेज में कि वो मरीन और फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में हुई थी, वहाँ स्टैग्नेशन प्रॉब्लम नहीं थी। इन दीज इन्वायरमेंट्स द यूज़ ऑफ द न्यूमैटिक सैक इन द बायोंसी रेगुलेशन वुड हैव बीन अडॉप्टेड। पहले न्यूमैटिक सैक को किस लिए यूज़ करें? गैशियस एक्सचेंज में, क्योंकि गिल्स अगर होंगे और एरिया स्टैगनेंट है, यानी पानी गदला है, तो गदले पानी के साथ वो जो मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे वो गिल्स के ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब जमना शुरू हो जाता है तो प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पाता। लेकिन जिन एनवायरनमेंट में स्टैग्नेशन प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर ये न्यूमैटिक्स बायोंसी रेगुलेशन के अंदर न्यूमैटिक सैक यूज़ होगी, यानी फिश को की पोजिशन मेंटेन करने के अंदर। अब ये देखें, ये टेट्रापोड लंग को दिखा रहे हैं, ये जो सिंपल फिश को दिखा रहे हैं ना। अच्छा, अब टेट्रापोड लंग के अंदर आप ये देखें, अंदर इसकी डिवीजन शुरू होगी। जैसे हमारे लंग्स है हाईली डिवाइडेड, अंदर आपको एल्विओलाई वगैरह मिलेंगे। टेट्रापोड का इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है लंग ज़्यादा हाईली डेवलप है, लेकिन अब भी बाकियों की नस्बत बहुत कम डेवलप है। ये देखें, ज़्यादातर टेलियोस्ट के अंदर अब जो गट के ऊपर बिल्कुल आगे एनिमेटिक्स है कि एज अ स्विम ब्लैडर एक्ट करेगी, यानी बायोंसी रेगुलेशन में। बायोंसी का मैंने आपको बताया था कि जब वाटर फोर्स एग्जर्ट करता है अगेंस्ट द वेट ऑफ द बॉडी ताकि ऊपर की तरफ उछाल की कुत। ये गैस ग्लैंड है, ये लिवर है, मैरेबल है। अब ये वेन्स हार्ट को जा रही हैं,
और यहाँ से एयर एंटर होती है। अब स्विम ब्लैडर जो है पानी को के अंदर बॉडी ये फिश की पोजीशन मेंटेन करता है। ये नहीं होता कि फिश की जो है वो बेली साइड अप हो जाए और जो डोर्सल साइड है वो डाउन हो जाए। इससे बचाने के लिए ये काम करता है स्विम ब्लैडर। ये देखें स्टर्जियंस और उसमें टिलियाओस में और लंग फिशेस के अंदर ये लंग के अंदर इवॉल्व हो गया। हाँ, आपने भी कभी सोचा कि आप पानी में तैर सकते हैं, वाटर स्पोर्टिंग मीडियम है लेकिन इतना एफिशिएंट नहीं है कि आपको डूबने से बचाए, सिंक डूबना। तो आप के जो दूसरे टिश्यूज़ हैं वो उन ज़्यादा उनमें डेंसर कंपाउंड्स हैं, जैसे बोन्स हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ट्वाइस है वाटर से, तो फिर आप क्यों फ्लोट कर सकते हैं। इस वजह से कि आपके पास एयर फिल ऑर्गन्स हैं जिन्हें आप कहते हैं लंग्स। फिश पानी के अंदर वर्टिकल पोजीशन कॉलम में कैसे मेंटेन रख सकती हैं, उसके लिए फ़िश के पास क्या अडाप्टेशन है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वन वे इज़ टू इनकॉर्पोरेट लो डेंसिटी कंपाउंड इन टू देयर टिश्यूज़। फिश स्पेशली देयर लिवर्स आर सेचूरेटेड विद द बायोन्ट आयल्स। फिशेज़ ने लो डेंसिटी कंपाउंड अपनी बॉडी में इकट्ठे किए होते हैं, जिनको आजकल वो हम लोग फिश ऑयल के कैप्सूल्स वगैरह भी ले रहे होते हैं। हम कहते हैं जी उसके जिगर से या लिवर से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ है। सेकेंड वे दैट फिश मेंटेन वर्टिकल पोजिशन इज टू यूज़ फिन्स टू प्रोवाइड लिफ्ट, यानी ऊपर की तरफ जो थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाता है वायलेंटली किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्ट किया जाए कि इसमें मूव करना है, वो फिन्स प्रोवाइड करेंगे। द पेक्टोरल फिन ऑफ द शार्क्स आर प्लेनिंग डिवाइसेस दैट हेल्प टू क्रिएट अ लिफ्ट एज द शार्क्स मूव थ्रू द वाटर। आल्सो द लार्ज अपर लोब ऑफ द शार्क्स कार्डल फिन, कार्डल फिन कहते हैं दुम वाला, कार्ड का वर्ड यूज़ होता है दुम के लिए, प्रोवाइड अपवर्ड थ्रस्ट फॉर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। अ थर्ड अडाप्टेशन इज द रिडक्शन ऑफ द हैवी टिश्यूज इन द फिशेज। थर्ड अडाप्टेशन ये है कि हैवी फिश जो टिश्यूज हैं फिशेज के उनको कम कर दिया जाए। आपको फिश की बोन जो मूवमेंट नज़र आती है वो बहुत लेस डेंस होती है, और ये अडाप्टेशन ये इसमें कार्टिलेजनस फिशेज में तो ये है कि उनका तो जो स्केलेटन है वो बोन का बना हुआ ही नहीं है, वो तो है ही कार्टिलेज का बना हुआ। फोर्थ अडाप्टेशन है अब स्विम ब्लैडर की। फिश बायोंसी को कैसे प्रिसाइजली रेगुलेट करती है, आप स्विम ब्लैडर के अंदर गैस के वॉल्यूम को कंट्रोल करके। न्यूमेटिक सैक डक्ट जो है ये स्विम ब्लैडर से कनेक्ट हो जाती हैं गाप्स में, गाप लाइक में, स्टर्जियन में और दूसरे प्रिमिटिव बोनी फिशेज में टू द एसोफेगस आर अनदर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। दिस फिशेज गल्प्स एयर एट द सर्फेस ऑफ द एट द सर्फेस टू फोर्स एयर इन टू देयर स्विम ब्लैडर। अब ये फिशेज क्या कहेंगी, ये सर्फेस पे आएंगी, गल्प का मतलब होता है निगलना, मुँह पर करके हवा को निगलेंगी और फिर उन्हें स्विम ब्लैडर के अंदर धकेल देंगी। अब जो टेलियोस्ट हैं उनमें स्विम ब्लैडर अपना उसने डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्शन लूज कर दिया है। अब वो जो ब्लड है वो द ब्लड सिक्रीट्स गैसेस इनटू द स्विम ब्लैडर यूजिंग अ काउंटर करंट एक्सचेंज मल्टीप्लायर इनटू एन अवेस्कुलर नेटवर्क ऑन द रीट मरिबल। गैसेस आर सिक्रीटेड फ्रॉम द रीट मरिबल इनटू द स्विम ब्लैडर थ्रू अ गैस ग्लैंड, और जो गैसेस हैं ये रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं ब्लड में एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ब्लैडर द ओवेल। अच्छा, कुछ फिशेज ऐसी हैं कि जिनके अंदर स्विम ब्लैडर आवाज़ सुनने में भी हेल्प करेगा, वो शायद आगे होगा। उसमें ये होता है कि स्विम ब्लैडर एज अ एम्पलीफायर काम करता है। एम्पलीफायर का मतलब ये होता है कि चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है। अगर आवाज़ वहाँ जा रही है तो वो खाली है ना, जैसे ढोल खाली होता है अंदर से, आस पास सिर्फ फ्लैप्स होते हैं, उसके ऊपर जब आप हिट करते हैं तो आवाज़ कई गुना बढ़ जाती है। ये इस तरह का फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। थैंक यू।